तो अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे मोशन की तो ग्राफ काफी एक कन्वीनियंट मेथड है आसान तरीका जिससे कि हम बेसिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग इवेंट्स के बारे में जैसे कि हम टीवी पे क्रिकेट मैच देखते हैं उसमें वर्टिकल बार्स दिखाते हैं वो रन रेट दिखाते हैं और दोनों टीम्स के जैसे रन कंपेयर करते हैं तो मैथ्स में भी हमने स्ट्रेट लाइन line से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व टू वेरिएबल की जो क्वेश्चन थे इनको सॉल्व करने की कोशिश की है तो अब हम देखते हैं कि मोशन को किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कैसे ग्राफ के अंदर एक लाइन के थ्रू हम कैसे रिप्रेजेंट uh, कर सकते हैं तो ये जो लाइन है ये फिजिकल uh, क्वांटिटी को डोनेट करेगी डिस्क्राइब करेगी जैसे कि वो डिस्टेंस हो सकता है या वेलोसिटी हो सकती है या कोई और क्वांटिटी हो सकती है कि जैसे टाइम हो सकता है वो तो ये लाइन वन ऑफ द एक्सिस जो ग्राफ पे में से कोई होगी तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखते हैं तो इसमें जो पोजिशन चेंज ऑफ पोजिशन देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक एक्स एक्सिस के ऊपर तो हमने जो है टाइम ले लिया मिनट्स के अंदर और वाई एक्सिस के ऊपर हमने डिस्टेंस को लिया है तो ये अलग अलग जगह इस ग्राफ को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम यूज कर सकते हैं या तो यूनिफॉर्म स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट की वहां यूज कर सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है वहां भी यूज कर सकते हैं अगर कोई रेस्ट पे भी है चीज नहीं चल रही वहां पे भी इस ग्राफ को हम यूज कर सकते हैं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक तरफ एक्स एक्सिस में टाइम वाई एक्सिस में डिस्टेंस तो जैसे हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं तो इस जो ग्राफ के अंदर इस तरह की जो यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा और टाइम डिस्टेंस ग्राफ जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर तो उसमें ओ से लेके ओ से स्टार्ट हुआ मोशन और बी तक जो है पोर्शन ग्राफ का है वो दिखा रहा है कि यूनिफॉर्म रेट पे डिस्टेंस कवर किया जा रहा है उस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम के अंदर तो इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं इस ग्राफ को लेकिन ये डिस्टेंस की जगह हमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा तो वो जो ग्राफ बनेगा वो विलॉसिटी बताएगा जो अभी हमें स्पीड बता रहा है फिर वो वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं उस ग्राफ से हम और वो जो ग्राफ बताएगा वो यूनिफॉर्म इस तरह की अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी इस, इस केस में यूनिफॉर्म स्पीड है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड भी मेजर कर सकते हैं जैसे इस केस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट सपोज ए से लेके जो ये ग्राफ था इसमें ए से लेके बी तक गई है तो इसके पैरेलल ए पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे और बी से भी करेंगे तो ये क्योंकि इस पे टाइम है तो इस इन पॉइंट्स को टी टू और टी वन हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ही ए और बी पॉइंट से हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं और यहां पर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो इसको एस टू और एस वन डिस्टेंस करते हैं तो ए से बी जो मूव अगर किसी ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किया है तो उसने इफेक्टिव डिस्टेंस कितना मूव किया एस टू माइनस एस वन और टाइम कितना लगा टी टू माइनस टी वन तो क्या होती है कि चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन तो एस टू माइनस एस वन डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन इससे हम वि सकते हैं तो ग्राफ को हमने यूज करके किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से पता लगाई तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम एक्सलरेटेड मोशन शो करने के लिए भी यूज कर सकते हैं जो टेबल 8.2 ये नीचे दिया है इसमें एक कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है पर सेकंड के हिसाब से ये दे रखा है कि जीरो सेकंड्स पे जीरो मीटर डिस्टेंस पे था ऐसे टू फोर सिक्स हर दो सेकंड में कितना कितना आगे डिस्टेंस पे चल जाती गई तो ये टेबल में दिया हुआ है तो इसको जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे नीचे तो हमने टाइम लिया है लेफ्ट साइड में वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है तो ये हमने पॉइंट्स रिस्पेक्टिव ड्रॉ किए तो इस तरह की लाइन बनी तो हम देखेंगे कि ये लाइन अलग तरह से है जो पिछली लाइन ग्राफ में थी वो यूनिफॉर्म मोशन था और ये नॉन वो स्ट्रेट लाइन थी तो यूनिफॉर्म मोशन था ये अलग स्ट्रेट लाइन नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये है तो नॉन उसमें स्पीड जो थी हमें पता लग रही थी कि स्ट्रेट लाइन थी तो स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड थी इसके अंदर स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है तो ये मोशन इस ग्राफ में दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हम जो एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर को करेंगे। अभी इस ग्राफ के अंदर एक टाइम ग्राफ है। ये गाड़ी है गाड़ी जो यूनिफॉर्म विलोसिटी पर आर की विल। पे चल रही है लगातार तो आप देखेंगे कि 40 के ऊपर ये टाइम वन टू तो थ्री सेकेंड बीतते जा रहे हैं उसकी विलोसिटी फोर्टी ही है तो एक स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस के पैरल तो अगर और ये जो कोई भी दो टाइम इसमें ले लें जैसे फोर और ये हमने डी और सी पॉइंट लिया और जो ये रेक्टेंगल बनेगा ये इन दोनों टाइम्स के बीच में इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके इक्वल होगा तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं एरिया ए सी लेंथ इन टू ब्रेड ए सी मल्टीप्लाई बाई सी डी तो ये इसका एरिया हो गया सी डी तो हमें पता है टी टू माइनस टी वन और ए सी तो फोर्टी है तो फोर्टी मल्टीप्लाई बाई टी टू माइनस टी वन किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया इस ऑब्जेक्ट ने तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है जो ये है डिस्टेंस के अलावा अगर हम इसमें बोलना चाहें तो कितना डिस, डिस्प्लेसमेंट का कितना मैग्नीट्यूड मेग, मैग है वो ज्यादा बेहतर शब्द है इसको लिखने बताने के लिए तो अब हम देखते हैं यूनिफॉर्मली ये तो एक्सलेशन नहीं थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी अब कोई यूनिफॉर्मली चीज है जिसकी वेलोसिटी रेगुलर बढ़ रही है सपोज एक गाड़ी चल रही है हर पांच सेकंड में उसका ड्राइवर टाइम नोट कर रहा है मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आर के अंदर ये जैसे गाड़ी चल रही है पांच जीरो फाइव टेन और ये विलोसिटी जीरो पे उसकी जीरो थी नाइन तो इसमें देख रहे हैं नाइन मीटर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज होती जा रही है वेलोसिटी उसकी रेगुलरली तो इसका ग्राफ हम अगर प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा वो इस तरीके से आ रहा है कि क्योंकि रेगुलर यूनिफॉर्म उस, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट को तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वेलोसिटी एक फिक्स अमाउंट से लगातार बढ़ती जा रही है तो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म एक्सलेशन बोलेंगे इसमें इसमें डिस्टेंस कवर कर भी हम कवर कर सकते हैं इसमें जो ऑब्जेक्ट ने ए और ई e के बीच में डिस्टेंस कवर किया वो इस लाइन के नीचे जो ये चीज है उसको डिस्टेंस एरिया निकाल सकते हैं एरिया कैसे निकाल लेंगे इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं एक तो ये रेक्टेंगल बन गया ए बी सी डी और ये ए डी ई e, ट्राइंगल बन गया तो इन दोनों का अलग से एरिया निकाल लो तो लेंथ इन टू ब्रेथ करके रेक्टेंगल का निकाल लिया और हाफ बेस इनटू हाइट करके ट्रायंगल का निकाल लिया कुछ आगे एग्जांपल देखते नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन एक्सलरेटेड मोशन के अंदर इसमें आप देखिए कि वो किसी ऑब्जेक्ट की कम होती जा रही है और तो ये ऊपर uh, नीचे इस तरीके से है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन के एग्जांपल्स और देखते हैं नीचे इसमें वेलोसिटी बढ़ी फिर वेलोसिटी कम हुई तो इसमें इस तरीके से ग्राफ बन रहा है तो ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की एग्जाम्पल हैं अब एक एक्टिविटी करते हैं इस एक्टिविटी के अंदर अराइवल और डिपार्चर एक ट्रेन का दे रखा है ए बी सी और तीन स्टेशन के ऊपर तो डिस्टेंस कवर कितना किया ए पॉइंट से वो दे रखा है यहां पे और कितना टाइम लगा कितने बजे चली और कितने बजे वहां से चली तो वो दे रखा है तो अब हमें इसमें प्लॉट करना है जो हमें ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस ट्रेन का बनाना है एक और एक्टिविटी करते हैं उसमें फिरोज और उसकी बहन सानिया साइकिल के ऊपर चले अपने घर से स्कूल की तरफ तो एक ही रूट से गए लेकिन उन्होंने अन टाइम लिया तो वो टाइम लिखा हुआ इसमें कि फिरोज ने आठ बजे चले दोनों तो कितने किलोमीटर चले आठ पांच पे एक किलोमीटर तक पहुंच गया था आठ दस पे वन पॉइंट नाइन तो ऐसे ही डिस्टेंस दे रखा है कितने दूर गए ऐसे ही सानिया का दे रखा है हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दोनों केसेस के अंदर बनाना है फिरोज और सानिया का